यह बात तो आप लोगों को हम लगभग हर वीडियो में बता देते हैं कि छोटे मोटे गैंगस्टर एक से ज्यादा बड़ा क्राइम कर ही नहीं सकता है। हमने अब तक जितनी कहानियां आपको बताई हैं, उस सभी कहानियों में आप एक बात देखे होंगे कि एक ही अपराध को अंजाम देने के बाद या तो अपराधी जेल चला गया या पुलिस एनकाउंटर में मारा गया। गैंगस्टर अनिल परब की कहानी भी इससे ज्यादा कुछ नहीं है, लेकिन उसने जो काम किया वह मुंबई अंडरवर्ल्ड की दुनिया में उसको स्थापित कर दिया। कैसे उसे जब सजा मिली तो वह बच्चों के जैसे कोर्ट में गिड़गिड़ा रहा था, और अभी वह कहां है और क्या कर रहा है, जानेंगे गैंगस्टर अनिल परब की पूरी कहानी आज के इस वीडियो में। तो इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिए। नमस्कार, मेरा नाम है प्रशांत और आप देख रहे हैं बेजोरजरा.com का यूट्यूब चैनल। गैंगस्टर अनिल परब का जन्म साल 1964 में मुंबई में हुआ था। वह बेसिक एजुकेशन से ज़्यादा कभी आगे बढ़ा ही नहीं, सिर्फ 7वीं क्लास तक ही उसकी एजुकेशन रही, उसके बाद उन्होंने स्टडी को छोड़ दिया। उसके फादर मिल में वर्कर थे और वह खुद आवारागर्दी करता रहता था। उस समय मुंबई अंडरवर्ल्ड का ग्लैमर नए लड़कों को बहुत जल्दी अपनी ओर खींचता था। अनिल परब भी अब धीरे धीरे मुंबई अंडरवर्ल्ड का हिस्सा बन चुका था। मुंबई अंडरवर्ल्ड के दुनिया में अनिल परब को वांगिया नाम से बुलाया जाता था, क्योंकि उसका बैगन के जैसा नाटा और मोटा था। मराठी में बैगन को वांग बोलते हैं, जिसकी वजह से गैंग में वह वांगिया के नाम से विख्यात हो गया। आगे वीडियो में हम भी वांगिया नाम से ही इसको संबोधित करने वाले हैं। धीरे धीरे वंगिया अशोक जोशी गैंग का हिस्सा हो गया। शुरुआती दौर में अशोक जोशी और दाऊद इब्राहिम साथ में काम करते थे, इसीलिए बम्बई में उसकी साख बनी हुई थी। तारीख 6 जून साल 1984, इस दिन अंधेरी के एक कोर्ट में एक सुनवाई चल रही थी, जिसमें कांजूर मार्ग का बिजनेसमैन हंसराज शाह मर्डर के एक केस में अशोक जोशी के खिलाफ गवाही देने वाला था। अगर उस दिन यह गवाही हो जाती तो बम्बई पुलिस अशोक जोशी के पीछे पड़ जाती। हुआ यह था कि हंसराज शाह का भाई नानजी शाह, जो कि कांग्रेस का एक्टिविस्ट था, उसकी साल 1983 में हत्या हो गई थी। इसी केस में हंसराज ने अशोक जोशी को टेस्टिफाई किया था, इसीलिए अशोक जोशी ने अपनी चाल चल दी और अब वंगिया यानी कि अनिल परब का काम शुरू हो चुका था। इस समय दोपहर के 2:10 हो रहे थे। सुनवाई चल रहे कोर्ट में वंगिया घुसता है और विटनेस बॉक्स में खड़े हंसराज शाह पर अंधाधुंध गोलियां बरसाने लगता है। पूरे कोर्ट में अफरा तफरी मच जाती है और हंसराज शाह वहीं घायल होकर गिर पड़ता है। पुलिस वंगिया को अरेस्ट कर लेती है, लेकिन इस हमले में हंसराज शाह बच जाते हैं। वंगिया के ऊपर अब आर्म्स एक्ट और अटेम्प्ट टू मर्डर का केस चलता है, लेकिन साल 1985 में वह बेल पर जेल से बाहर आ जाता है। जेल से बाहर आने के बाद वंगिया का हौसला और ज़्यादा बुलंद हो चुका था और अब वह इससे भी बड़ा स्टेप उठाने की सोच रहा था, लेकिन अब बम्बई अंडरवर्ल्ड का समीकरण बदल चुका था। अशोक जोशी और दाऊद गैंग में अब फूट पड़ चुकी थी। कल तक एक ही थाली में खाने वाला अशोक जोशी और दाऊद इब्राहिम अब एक दूसरे के जान के भूखे हो चुके थे। यहाँ से अब वंगिया यह डिसाइड नहीं कर पा रहा था कि इधर जाएं या उधर। इसी बीच उसकी दोस्ती हुई सुनील सावंत उर्फ सौत्या से। सौत्या दाऊद गैंग के सबसे खास शूटरों में से एक था। वंगिया और सौत्या की दोस्ती हुई और अनिल परब यानी कि वंगिया अब दाऊद गैंग में शामिल हो चुका था। उस समय दाऊद गैंग को बम्बई में छोटा राजन हैंडल कर रहा था। छोटा राजन को अशोक जोशी को निपटाना था और वंगिया को खुद को साबित करना था, क्योंकि वह अपने पहले वाले मिशन में फेल हुआ था। दोनों का सुई अशोक जोशी पर आकर अटक गया। छोटा राजन ने वंगिया को अशोक जोशी को मारने भेजा और वंगिया अब अपने पहले के बॉस को निपटाने के लिए पूरी तरह से रेडी था। सुनील सावंत उर्फ सत्या की मदद से वंगिया ने अशोक जोशी का दिन दहाड़े ही मर्डर कर दिया, जिसके बाद दाऊद गैंग में उसकी तूती बोलने लगी और वह दाऊद का सबसे खास शूटर हो गया। अशोक जोशी के मर्डर के बाद भी वह बम्बई में ही रहा और छोटा राजन के इशारों पर काम को अंजाम देता रहा। उसका सिक्का अब जम गया था और सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन फिर लगभग आधे दशक बाद होता है बॉम्बे ब्लास्ट। इस ब्लास्ट के बाद वंगिया भी दुबई भाग गया। ब्लास्ट के बाद जिन अपराधियों के खिलाफ इंटरपोल ने रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया था, उसमें से वंगिया का नाम भी शामिल था। फाइनली उसको दुबई में अरेस्ट किया गया और 20 अप्रैल 2003 को विस्फोट के 10 साल के बाद उसे भारत लाया गया। अब उसके ऊपर ब्लास्ट के मुकदमे के साथ ही साल 1984 का हंसराज वाला केस भी खुला।
यह केस लंबा चला और लगभग 3 सालों के बाद नवंबर 2006 में हंसराज शाह वाले केस में उसको आजीवन कारावास की सजा हुई। सजा के बाद वंग्या ने कोर्ट में जज के सामने रट लगाते हुए कहा कि मैं 3 बेटियों का फादर हूँ, जिसमें से 15 साल की मेरी जुड़वा बेटी है और एक 12 साल की बेटी है। मेरी वाइफ मुझे छोड़कर इस दुनिया से जा चुकी है। उसने आगे कहा कि मीडिया हमेशा कहती है कि मैं दाऊद के साथ काम करता हूँ, लेकिन इसमें जरा सी भी सच्चाई नहीं है। मैंने कोई चोरी या डकैती नहीं की है और मैं बिल्कुल निर्दोष हूँ। मुझे मेरी बेटियों का ख्याल रखने के लिए छोड़ दिया जाए। लेकिन कोर्ट तो कोर्ट होता है, उसके पास सबूत थे जो अनिल परब यानी कि वंग्या को सजा देने के लिए काफ़ी थी। फाइनली 5,000 रुपये के फाइन के साथ वंग्या को आजीवन कारावास की सजा मिली और आज के तारीख में वंग्या यानी कि अनिल परब मुंबई के एक जेल में अपनी आजीवन कारावास की सजा काट रहा है। तो यही थी मुंबई अंडरवर्ल्ड के गैंगस्टर अनिल परब उर्फ वंग्या की पूरी कहानी। इस कहानी के संदर्भ में आपकी क्या राय है आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और मुंबई अंडरवर्ल्ड के डॉन्स के बारे में और ज़्यादा विस्तार से जानने के लिए हमारे मुंबई अंडरवर्ल्ड वाले प्लेलिस्ट को आप जरूर देखिए। यह वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। आने वाले वीडियोज़ के लिए बेजोड़ जोड़ा को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को टच करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।